वहीं दिल्ली के पालम विधानसभा वार्ड सादनगर मार्केट में समाज सेवियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद से आम जनता के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। समाज सेवक महेश रिंकू और सादनगर मार्केट के सदस्यों ने जनता की सुविधाओं के लिए इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया था। इस हेल्थ कैंप के आयोजन का कारण पालम विधायक भावना गौड़ ने बताते हुए कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद से एक दिन का ये कैंप रखा गया है। सादनगर मार्केट प्रधान महेश शर्मा का कहना है कि जनतंत्र टीवी आम जनता की खास आवाज बनता जा रहा है। पालम सादनगर मार्केट में जनतंत्र टीवी को काफी पसंद किया जा रहा है। इस कैंप को लेकर लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान पालम सादनगर मार्केट में फ्री के चेकअप लगाने से सामान्य जांच करने में बहुत राहत महसूस हो रही है। इसके चलते हॉस्पिटल की लाइन में लगने से जो समय बर्बाद होता है वो भी बच रहा है। बताया कि ये कोरोना काल चल रहा है और बहुत छोटी छोटी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इस तरह के टेस्ट यहाँ आज भगत चंद्रा हॉस्पिटल की सारी टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है। और हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान महेश शर्मा जी, महेश चौधरी जी, आज सब उनके सहयोग से ये कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। और जैसा कि आपने देखा, मैंने स्वयं यहाँ पर बीपी टेस्ट कराया है, शुगर टेस्ट कराया है। और क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा मार्केट के अंदर आयोजित है और मार्केट में ढेर सारे लोग गुजरते हैं, और जो भी बंधु इस कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहा है वो स्वयं रुक कर के भी अपना टेस्ट करवा रहे हैं। इस मौके पर बहुत सारी भीड़ है और बहुत अच्छा परिचय हमारे मार्केट के प्रधान महेश जी ने और महेश चौधरी जी ने दिया है। आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रत्येक व्यक्ति हो, इसकी आवश्यकता है। को सबसे पहले तो जनतंत्र टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्यों कि वो इसको प्रसारित करेंगे और इसको लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपने चेकअप नहीं कराए, डर के मारे वो नहीं गए। इसलिए अब हमने इसके लिए शिविर लगाया मार्केट में, सभी दुकानदारों के लिए, हित के लिए, क्षेत्र की सारी पब्लिक के हित के लिए हमने लगाया है। और इसमें बहुत रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके अपना टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, स्वास्थ्य के प्रति डर बैठा रहा है और रहा के कहीं ऑफिस में जाने के बाद कोरोना न लग जाए। और इसका बहुत लोगों को फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं जनतंत्र टीवी का भी धन्यवाद करूंगा जो इन चीज़ों को आम पब्लिक में प्रसारित करता है और लोगों को जागरूक करता है। समय समय पर हर समय ये देखा गया है, इसलिए हमारे इस टीवी से बहुत फ़ायदे हैं। मैं सबसे पहले तो जनतंत्र टीवी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आके इसको कवरिंग किया और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा, ये बहन भावना गौर जी जो हमारी विधायक हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कैंप लगाया गया है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल का भी इसमें सहयोग पूरा रहा है, उनके द्वारा लगाया गया। जिस हिसाब से कोरोना में लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, उस तो उन लोगों को मतलब काफ़ी टाइम से अपने आंखें टेस्ट कराना हो या उनको पता ही नहीं लग पाता था ब्लड शुगर के बारे में या उनका बीपी कितना है या जैसे हड्डियों की उनकी जांच के लिए, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रहा है। यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, जिसको भी अपनी ज़रूरत लगी उसने आके अपने यहाँ पे टेस्ट कराया। सबसे पहले तो जनतंत्र जो हमारा ये है चैनल, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हर टाइम पे आके इस तरीके से लोगों को जागरूक करने में वीडियोस बनाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, मैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल के थ्रू आज यहाँ पे हेल्थ चेकअप एक केंद्र बनाया है जो कि भावना जी के सहयोग से यहाँ पे सफल हुआ है। आप देख भी रहे होंगे काफ़ी यहाँ भीड़ है और ये फ्री हेल्थ चेकअप केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे आके आप कोई लोग भी चेकअप करा सकते हैं और मेरा ये मानना है कि लोगों को हमें जागरूक करना है इसके ज़रिए कि हर टाइम पे या रूटीन से हमें हेल्थ चेकअप करानी चाहिए। और भावना दी के सहयोग से इस तरह के कार्य होते रहते हैं तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। वहीं दिल्ली के महरौली की निगम पार्षद आरती सिंह ने अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। निगम पार्षद आरती सिंह ने अपने क्षेत्र की गरीब जनता को हजारों की संख्या में शॉल और कंबल बांटे। बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कंबल बांटने का यह कार्यक्रम महरौली के कालूराम चौक पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सबसे पहले दिव्यांगों को कंबल दिए गए, उसके बाद साधु संत और फिर आम जनता को भी कंबल बांटे गए। निगम पार्षद आरती सिंह के इस काम को बीजेपी के नेताओं ने बेहद सराहा और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सदा ऐसे ही नेक काम करते रहते हैं। वहीं आरती सिंह और उनके पति का कहना है कि समाज के लिए ऐसे नेक काम वो आगे भी करते रहेंगे।
बता दें कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि इस कड़ाके की सर्दी में जो लोग बेघर हैं और जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, उनकी सहायता की जा सके। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरण के कार्यक्रम किए, बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान किया है। आज गजेंद्र यादव जी और आरती सिंह जी, जो यहाँ की निगम पार्षद हैं, मेहरौली में बड़ी संख्या में इन्होंने कंबल और शाल वितरण का जो कार्यक्रम किया और साथ ही साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। और इतना सुंदर कार्यक्रम, आज कोई जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसके बाद उसकी ड्यूटी भी होती है और उसको करना भी चाहिए। आज यहाँ जो शॉल और कंबल वितरण का कार्यक्रम है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, ये हमारे मेहरौली के आईडी नीचे कर लो ना, और मुझे बहुत खुशी है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, तो उनके सामने हमारे छोटा सा कदम है। अपने वार्ड में रहने वाले सभी लोगों का मैं और गजेंद्र ध्यान रख पाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और भगवान ने, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी ने कहा, हमें पद दिया है, हमें ताकत दी है कि हम लोगों के लिए काम आ सके, तो हम लोग भी आगे से आगे बढ़कर अपने जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं उनकी फिक्र करते हैं, उनकी मदद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।